वेलकम टू तेज एजुकेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र चैनल जहां आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टॉप एमपी जीके का, काफ़ी अहम प्रश्न है और आप हर क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करें, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें जहां आपको हमारी हर क्लास का पीडीएफ उत्तरों सहित रिविजन के लिए मिल जाता है। ओके, एक ही जगह पूरे पीडीएफ। सबसे पहले प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हैं? भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नरेंद्र हिरवानी। कौन? नरेंद्र हिरवानी मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। ओके, देखिएगा, हम पूरे ऐसे प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके, बार बार आ रहे हैं परीक्षाओं में। ओके, तो देखिएगा, नरेंद्र हिरवानी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। इसके अलावा पूछ लेता है भाई, मुश्ताक अली का संबंध किससे है? तो हमेशा याद रखें, मुश्ताक अली का संबंध किससे है? क्रिकेट से। मुश्ताक अली इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने भाई विदेशी धरती पर शतक बनाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न है। तो हमेशा याद रखें प्यारे दोस्तों कि ऊषा राजे स्टेडियम जो है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। कहाँ? इंदौर में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा, ये जो ऊषा राजे स्टेडियम है ये दूधिया रोशनी से भी संपन्न है। दूधिया रोशनी की सुविधा भी यहाँ पर क्या है? उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? तो भाई कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? अगर आपने देखा होगा तो पिछले टॉप एमपीजी के प्रश्नों में हमने बताया कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, जो कि और क्या है भाई, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 8 सितंबर को। कब भाई? 8 सितंबर को नहीं, 18 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती। गलत मत कर देना भाई, कब? 18 सितंबर को। बहुत अच्छा प्रश्न, मैंने एक बताया था 18 सितंबर को इनकी जयंती मनाई गई थी। मीडिया में इनकी खबर काफ़ी तूल पकड़ ली थी, मीडिया ने काफ़ी चीज़ों को उठाया था कि जयंती मनाई जाए 18 सितंबर को, फिर जयंती की घोषणा की गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। ओके, कहाँ पर है भाई? ग्वालियर में है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ खेलकूद विद्यालय कहाँ पर है, खेलकूद विद्यालय, आवासीय खेलकूद विद्यालय, तो आवासीय खेलकूद विद्यालय है भाई कहाँ पर? सीहोर में। कहाँ पर है भाई? सीहोर में। ओके, आवासीय खेलकूद विद्यालय कहाँ है? सीहोर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम, फिरोज शाह, ऊषा राजे, ग्रीन पार्क। अभी देखा मैंने, जस्ट अभी आपको प्रश्न बताया कि ऊषा राजे स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। इसमें भी क्या है? दूधिया रोशनी की सुविधा उपलब्ध है। ओके, ऊषा राजे स्टेडियम में कहाँ है भाई? ये इंदौर में। अब मैं बात करूं भाई कि ईडन गार्डन कहाँ पर है, तो ईडन गार्डन है भाई कोलकाता में। जो क्रिकेट प्रेमी होंगे, जो क्रिकेट देखते होंगे ना, उन्हें पता होगा। ओके, कहाँ है ईडन गार्डन? कोलकाता में। तो वहीं पर फिरोज शाह कोटला, ये है भाई दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये है भैया कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से नहीं है? ओके, तो देखिएगा, मैंने आपको बताया नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से, नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से, तो वहीं पर सरोज असलम शेर खान, भाई असलम शेर खान मध्य प्रदेश के हैं, और एक किससे भाई? हॉकी से। असलम शेर खान हमारे हॉकी के खिलाड़ी हो गए, नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट के हो गए। ओके, और सरोजनी आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सरोजनी आपके कौन? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और कीर्ति आजाद जो है ना भाई, ये बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हैं तो ये क्रिकेट खिलाड़ी ही, लेकिन ये कहाँ के हैं भाई? बिहार के हैं, कीर्ति आजाद। ओके, और ये पूरे तीनों कहाँ के हैं? ये एमपी के हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है भाई इंदौर में। कौन सा? इंदौर में। ओके, देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदौर में स्थित है, जो खेल प्रसार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भाई इंदौर में इसे? खेल
प्रसाल, ओके, खेल प्रसाल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो भाई ये जो पुरस्कार है, देखिएगा इस प्रश्न में एक गलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, इनमें कोई भी विकल्प नहीं है, ओके। कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। अब मैं बात करूं भाई इसकी स्थापना कब की गई, तो विश्वामित्र पुरस्कार 1994, और विश्वामित्र के बाद आता है एकलव्य पुरस्कार भाई 1997, और इसके बाद आता है विक्रम पुरस्कार। कौन सा? विक्रम पुरस्कार 1990, 90 में विक्रम, 94 में विश्वामित्र, 97 में एकलव्य। ओके, इनमें से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। ओके आगे बढ़े भाई, चलिएगा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस व्यक्ति को हॉकी खेल में अगस्त 2012 को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया। तो भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हॉकी खेल में अगस्त 2012 को जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया था शकील अहमद कुर्रेशी को। किसे? शकील अहमद कुर्रेशी को। कभी भी पूछ ले शकील अहमद कुर्रेशी का संबंध किससे है? हॉकी खेल से। ओके प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार कौन सा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है भाई विश्वामित्र पुरस्कार। कौन सा? विश्वामित्र पुरस्कार। देखिएगा यहाँ पर खेल प्रशिक्षकों की बात हो रही है, प्रदेश के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार की बात हो रही है, विश्वामित्र खेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके यहाँ पर देखिएगा राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी राष्ट्रीय स्तर पर ही दिए जाते हैं। कहाँ? राष्ट्रीय स्तर पर ही दिए जाते हैं। लेकिन मैं बात करूँ विश्वामित्र पुरस्कार की, तो विश्वामित्र पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं भाई, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ओके मिस प्रिंट ही है ये प्रश्न, गलत पूछा ही गया है। ओके क्योंकि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ओके विश्वामित्र पुरस्कार, प्रश्न में गलती है, खिलाड़ियों को नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। लेकिन उस आधार पर हमने इससे पहले वाला जो प्रश्न था मध्य प्रदेश के आधार पर हमने विकल्प डी चुना था, क्योंकि मध्य प्रदेश का तो केवल वही पुरस्कार है। ओके तो मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। तो सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं भाई नेहरू स्टेडियम इंदौर में। ओके अगला प्रश्न है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में खेला है। इसका सही जवाब है नरेंद्र हिरवाने। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है मध्य प्रदेश का ख्यातनाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता था। तो भाई इसका सही जवाब है स्टीपल चेज। ओके विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके पान सिंह तोमर मध्य प्रदेश का ख्यातनाम एथलीट रहा है, उसने 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज प्रतियोगिता जीती थी। ओके वह एक भारतीय सैनिक था और विद्रोही भी बना। और तोमर का जो जन्म है ना भाई, पान सिंह तोमर का जन्म कहाँ हुआ? भिंड में हुआ। कहाँ? भिंड में हुआ। और इसके जीवन पर पान सिंह तोमर फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि मधु यादव का संबंध किस खेल से है। हमेशा याद रखें मधु यादव का संबंध है भाई हॉकी से। ओके और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मधु यादव को वर्ष 2000 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ओके आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम भाई स्थित है इंदौर में। जस्ट अभी हमने देखा, अभी हमने प्रश्न देखा था कि क्या प्रश्न देखा भाई, हमने प्रश्न देखा कि सबसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच सबसे ज्यादा कहाँ खेले गए हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच सबसे ज्यादा कहाँ खेले गए हैं बताइएगा। तो भाई नेहरू स्टेडियम इंदौर। कहाँ? नेहरू स्टेडियम इंदौर। चलिएगा अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है। तो भाई तात्या टोपे स्टेडियम है कहाँ पर भाई? भोपाल में। ओके ये प्रश्न
भाई 2015 में पूछा भी गया है, ओके, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में। प्रश्न है फिर कि विश्वामित्र पुरस्कार किससे संबंधित है, तो विश्वामित्र पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है, जो कि किसे खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ओके, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने कौन से वर्ष में नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की थी, ओके, तो मध्य प्रदेश ने वर्ष 2013 में नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की। प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक पदाधिकारी हैं कौन, तो भाई संजय जगदाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के एक पदाधिकारी हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है, निम्न में से कौन क्रिकेट से संबंध रखता है, तो भाई संजय जगदाले भी क्रिकेट से संबंध रखते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह शूटर कौन सा है जिसने 2014 के एशियाई खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता, जिसका सही जवाब है वर्षा बर्मन, ओके। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्रिकेटर है जो कि विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाला पहला भारतीय था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी ये प्रश्न आपको बताया भाई, तो सैयद मुश्ताक अली है जो कि विदेश की धरती पर शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, इसी वजह से क्या है चर्चित रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उन्होंने 1936 में भारतीय टीम के खिलाड़ी के रूप में शतक बनाया था, जो इंग्लैंड के किसी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला शतक था, इंग्लैंड में किसी भारतीय के द्वारा बनाया गया पहला शतक था, जबकि इंदौर में जन्म नरेंद्र हिरवानी प्रसिद्ध क्या है क्रिकेटर है, नरेंद्र हिरवानी भी क्रिकेट से संबंध रखते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और एशियन जूनियर चैंपियन का स्वर्ण पदक विजेता जो धार में पैदा हुआ वह कौन है, तो देखिए रूप सिंह तो है नहीं क्योंकि ये तो क्रिकेटर, ये तो भाई क्या है रूप सिंह का जन्म कहाँ हुआ था भाई, कहाँ हुआ, ग्वालियर में, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है ना भाई, रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। अब बात आती है, मैं आपसे सीधे सीधे प्रश्न करूँगा कि ये जो रूप सिंह थे इनका संबंध किससे था, भाई रूप सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं, क्योंकि रूप सिंह ने 42 गोल किए थे, कितने, कुल 42 गोल किए थे, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, ओके। देखिएगा रूप सिंह जो है हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे, ओके, इन्होंने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया था, इज दैट क्लियर। लेकिन देखिए बैडमिंटन खिलाड़ी हमें यहाँ पर बताना है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी है भाई, इसका सही जवाब है आदित्य जोशी, कौन है आदित्य जोशी, प्रश्न पूछ ले आदित्य जोशी का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से, ये कहाँ पैदा हुए आदित्य जोशी, धार में, ओके भाई। तो आज के इस टॉप एमपीजी के प्रश्नों की सीरीज में मात्र इतने ही प्रश्न, काफ़ी सारे प्रश्न हम देख लेते हैं, देखते हैं हम 20 प्रश्न हैं, लेकिन 20 के साथ साथ हम लगभग 50 चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, इसी तरह एमपीजी के हम आपको कवर करा रहे हैं, टॉप एमपीजी के हम आपको कवर करा रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फ्री टेस्ट यहाँ आपको मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश लेवल पर आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं, हर क्लास का पीडीएफ, हमारे नोट्स पीडीएफ आपको हाथ से लेकर सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पर निःशुल्क मिल जाती हैं।